दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WhatsApp मैसेज का नोटिफिकेशन बंद कैसे करते हैं। दोस्तों आप किसी मैसेज से परेशान रहते हैं, कोई ऐसा बंदा है जो आप पे लगातार मैसेज करता है या फिर आपको ग्रुप का मैसेज आता है, तो आप उस ग्रुप का मैसेज का नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं या फिर आप किसी बंदे का मैसेज का नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप WhatsApp के टोटल नोटिफिकेशन को बंद कर दें, तो भी वो आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है आप अपने तरीके से कस्टम कर सकते हैं WhatsApp में। तो उसके लिए आपको WhatsApp को पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं हर तरीके से आपको बताऊंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला जो ये है कि आप नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। अगर आप बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं कि काम करते रहते हैं और आप पे कोई मैसेज आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम आ जाता है नोटिफिकेशन गिरने के कारण, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अगर कोई भी बंदा आप पे मैसेज लगातार कर रहा है तो उसको आपको अचीव में डाल देना है। कैसे डालना है, अचीव के इस पर थोड़ा देर के लिए क्लिक करके रखना है और उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड अचीव चैट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो जो है नोटिफिकेशन अब आपको नहीं मिलेगा, ये अचीव चैट में चला गया। जब आप WhatsApp को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है 1, 2, 3 ऐसे दिखेगा, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको वहाँ पे जो है जितने बंदे को आपने डाला होगा यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है अकाउंट को, वो सब जो है कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे मैं इस अकाउंट को डाला हूँ और उसके बाद दोस्तों आप जब मर्जी इसे आप निकाल सकते हैं। दूसरा कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस बंदे के नोटिफिकेशन से परेशान रहते हैं तो इस पर आपको थोड़ा देर के लिए क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है दिखेगा ये म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करने के लिए बोला है कि आप कितने देर के लिए इसका मैसेज का नोटिफिकेशन म्यूट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे 8 घंटा है, 1 वीक है और ऑलवेज है। आप कितने टाइम के लिए यहाँ पे जो है काम में लगे हुए हैं और कितने देर के लिए आप शांति से रहना चाहते हैं, आप नोटिफिकेशन नहीं देखना चाहते हैं, वो आप टाइम टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे जो है 8 आवर कर देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब जो इसका नोटिफिकेशन 8 घंटे बाद ही आएगा, उससे पहले नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आएगा। अब आपको तीसरा मैं बताता हूँ, इस तरीके का सेटिंग आप ग्रुप पे भी कर सकते हैं अचीव्ड का और म्यूट नोटिफिकेशन का। तीसरा जो है वो टोटल एप्लीकेशन का टोटल नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हैं या फिर चैट का भी नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको WhatsApp ऐप पे थोड़ा देर के लिए क्लिक करके रखना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको मैनेज नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर में ही दिखेगा अलाउ नोटिफिकेशन। अगर आप टोटल नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है, फिर अगर आपको ऑन करना हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये दोनों सिलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रुप नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा एंड मैसेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। आप सिर्फ मैसेज के नोटिफिकेशन से परेशान रहते हैं तो आप यहाँ पे इसे डिसेबल कर देंगे। उसके बाद ग्रुप नोटिफिकेशन से परेशान रहते हैं तो ग्रुप का तो नोटिफिकेशन आप बंद ही रखिए, क्योंकि वह तुरंत आता है, ये दोनों ऑफ कर देंगे। बाकी बात जो है नोटिफिकेशन आप ऑन रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप जो है मैसेज का नोटिफिकेशन ऑफ हो चुका है यहाँ पे अलाउ होने के बाद भी नोटिफिकेशन। तो इस तरीके से ग्रुप के WhatsApp के मैसेज का नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।